तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी टेक्स्ट में से इस तरह हमारी वीडियो को जूम इन किस तरह कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमने इधर टाइटल्स पर जाना है और इधर ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट टाइटल पड़ा हुआ है, इसको हम ड्रैग करके इधर हमारी टाइमलाइन पर इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस टाइटल पर इस तरह डबल क्लिक करेंगे और इधर से एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और इधर से इस टेक्स्ट की जगह पर हम हमारी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट राइट कर लेंगे। और इसके बाद हम इधर से इसका फॉन्ट थोड़ा सा फैट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इधर से इम्पैक्ट चूज करता हूँ और इधर से हम इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं इधर 250 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ और इधर से हमने सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने सिंपल इधर किसी खाली जगह पर क्लिक करना है। इसके बाद हमने इधर से इस कैमरे वाले आइकॉन पर क्लिक करके इस हमारी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। तो अब अगर हम इधर ओके पर क्लिक करें तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इधर हमारी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो अब हम इस टाइटल को इधर से डिलीट कर देंगे और इसके बाद इस इमेज को हम इधर हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम हमारी इस वीडियो को भी इस इमेज के नीचे इधर ड्रैग करेंगे और इधर से हम इसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस इमेज की इधर से इस तरह क्लिक करके टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से मैं इसकी भी टाइमिंग थोड़ी सी डिक्रीज कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने सिंपल इस इमेज पर डबल क्लिक करना है और इधर से हमने कंपोजिंग में ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इधर से हमने ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके इधर से मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास हमारी वीडियो इस तरह आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने हमारी इमेज पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने क्रॉप एंड जूम पर क्लिक करना है और इधर से हमने पैन एंड जूम पर क्लिक करना है और इधर से फ्रेंड्स, हम हमारी वीडियो को जितना जूम करना चाहते हैं वो हम इधर से एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसको फुल स्मॉल साइज इसका करता हूँ और इसके बाद हम इधर से जूम इन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह एडजस्ट करने के बाद हमने इधर सिंपल ओके पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग अपने वीडियो का टाइम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद अगर हम इसको प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह बहुत ही अट्रैक्टिव जूम इन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रुप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।